से मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूड क्या होता है और रूडनेस के कितने टाइप होते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और लास्ट तक जाते जाते आपको दो चीज़ करनी है, लाइक कमेंट, नहीं लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट भी कर देना क्योंकि मन को बहुत अच्छा लगता है। तो रूट ये होता है कि जैसे आप किसी सुपरमार्केट में जा रहे हो और आपकी ट्रॉली बार बार किसी पे लग रही है, वो होता है रूट। और लगने के बाद आप एक्सक्यूज मी नहीं बोल रहे या सॉरी नहीं बोल रहे, तो वो होता है रूट। तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो एक बीच में जगह खाली भरी है और आप सुमरी में से घुस के दुबक के उस स्पॉट में आ गए विदाउट सेइंग एक्सक्यूज मी, वो होता है रूड। आते हैं टाइप ऑफ रूडनेस पे। जी, सबसे पहले आते हैं बीइंग नोइजी। तो बीइंग नोइजी में एग्जांपल है, जैसे आप किसी डीजे में जा रहे हो, वहाँ पे तो ठीक है, वहाँ पे तो बेस भी ढिचक 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 होता है। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हो और वहाँ पे बेफालतू में बिना किसी बात पे अपना गाना चला लेते हो, अपना प्लेलिस्ट चला लेते हो, वो होता है बीइंग नॉइजी। और बीइंग नॉइजी रूट का टाइप नंबर वन होता कटिंग लाइन। कटिंग लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हो या किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो जहाँ पे भीड़ भड़का हो रखा है, आपको पता है कि आपको भी लाइन में लगना है और भीड़ का हिस्सा होना है। तो लेकिन लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर रहे, आप बीच में से अपना रास्ता बना बना के, चूहे की तरह रास्ता बना बना के आप जा रहे हो, वो होता है कटिंग इन लाइन्स। तो कटिंग इन लाइन आता है रूटनेस पार्ट टू पे। तो कहावत तो सुनी होगी हिंदी में कि जब बड़े बात कर रहे हो तो अपनी बात बीच में नहीं बोला करते। इंग्लिश में बोले तो व्हेन ब्रदर गेट कोजी स्मॉल डोंट पुट देयर नोजी। और हाँ, नोजी से याद आया कि ये भी एक रूडनेस का पार्ट है। ये रूडनेस का पार्ट है पार्ट नंबर थ्री। तो इस रूडनेस को हम कहते हैं इंटरप्टिंग। फिर आते हैं टाइप ऑफ रूडनेस के पार्ट फोर पे। इसमें आता है बार्किंग ऑफ डॉग्स। मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो और बेफालतू में आपका जो टॉमी है, आपका जो डॉग है, आपका जो पेट है, वो बेफालतू में भाग रहा है आपके ऊपर और एग्रेसिव हो रहा है, और इसकी इसकी बदौलत आपके जो नेबर्स है वो तक आपसे आपसे परेशान है, आपके पेरेंट्स तक आपसे परेशान है, तो ये होता है बार्किंग ऑफ डॉग्स। मान लो कि जैसे आप बिग बाज़ार गए या कहीं पे भी गए शॉपिंग करने, और आपने वो जो कार्ट नहीं मिलती वो नहीं लौटाई, और उस कार्ट को आपने मॉल के बाहर ले गए, तो मॉल के बाहर जाके आपने एक कोने पे वो कार्ट फेंक दी। कार्ट मतलब वो ठेला फेंक दिया, हाँ, अपने शॉपिंग का ठेला फेंक दिया। तो ये होता है नॉट रिटर्निंग योर शॉपिंग कार्ट, रूट नंबर फाइव। मान लो कि आप पहले एक गुड बॉय थे और अपने बड़े बुजुर्ग का वो आशीर्वाद लेते थे, ब्लेसिंग्स लेते थे, लेकिन अब वो आप नहीं लेते, तो इसे कहते हैं एनी फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू एल्डरली। मतलब पहले आप करते थे वही चीज़
और आपको ब्लेसिंग मिलती थी। अब नहीं कर रहे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, आप फलाना ढिमकाना। तो दोबारा कह रहा हूँ, एनी फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू एल्डरली, ये होता है। और अब आते हैं बैड टेबल मैनर्स पे। बैड टेबल मैनर्स से मेरा मतलब ये है कि आप जब खाना खा रहे हो तो आपका मुंह बंद रहना चाहिए। जो आपका मुंह बंद नहीं है, आपका सारा का सारा जो खाना है वो दिख रहा है, और आप अपने जो बर्तन है जैसे प्लेट और चम्मच, वो आप बजा बजा के खाना खा रहे हो ताकि लोगों को भी पता चले, विच इज़ नॉट गुड। तो ये है बैड टेबल मैनर। तो अब आते हैं टेल गेटिंग पे। टेल गेटिंग का ये मतलब है कि मान लो कि आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी है, तो वो पॉसिबली पॉसिबली आपके 2 सेकंड के पीछे है आपकी गाड़ी। तो विच इज़ गुड, 2 सेकंड इज़ गुड, बट जब वो गाड़ी बम्पर टू बम्पर टच होती है उसको कहते हैं टेल गेटिंग। फिर आते हैं गंदगी फैलाने पे, मतलब लिटरिंग। लिटरिंग का मतलब आपको तो पता ही होगा कि गंदगी फैलाना, कहीं पे भी कुछ भी फेंक देना, पब्लिक प्लेसेस में फेंक देना जहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे डस्टबिन है आप फिर भी फेंक रहे हो, उसे कहते हैं लिटरिंग। है मतलब ये वाला है, नॉट यूजिंग टर्न सिग्नल, मतलब जैसे आप कैसे समझाऊँ, आप रोड पे जा रहे हो, आपके पास व्हीकल है लेकिन आपने इंडिकेटर नहीं दिया, उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया, वो होता है नॉट यूजिंग टर्न सिग्नल। तो टर्न सिग्नल का पूरा इस्तेमाल कीजिए और सेफ रहिए। यूजिंग द लास्ट ऑफ एनीथिंग एंड नॉट रिप्लेसिंग, मतलब हिंदी में बोले तो हर एक सेंटेंस का लास्ट वर्ड यूज़ करना और उसे रिप्लेस नहीं करना, ये है इस सेंटेंस का मतलब। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ 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 कहीं तो आ रहा होगा। लाइक तो आप कर ही देते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। कमेंट कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी, ठीक है? बताओ।